हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी आज ये क्लास रहेगी थर्ड। पहले वाली दो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। एचपीटेट आर्ट्स में जो है वो 60 मार्क्स का सोर्स स्टडी पार्ट रहता है। एचपीटेट आर्ट्स मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, जेबीटी, एलटी, इन सभी ही एचपीटेट के एग्जाम्स में जो है वो 30 मार्क्स का जीके पार्ट आता है। तो ये वाली सीरीज़ जो नए बच्चे होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि सोशल स्टडी पार्ट के लिए तथा जीके पार्ट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपने अपने आने वाले टैट के लिए इस सीरीज़ से तैयारी कर लेनी है अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगे। और जो क्वेश्चन इस सीरीज़ में डाले जा रहे हैं वो पहले बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इस वाली सीरीज से पहले भी टैट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अपने लिए हेल्पफुल लगे तो आपने यहाँ से तैयारी कर लेनी है। किस वर्ष में वर्मा, जिसका वर्तमान नाम जो है वो म्यांमार है, भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो पहले आपको पता था कि अखंड भारत था तो उसी में ही जो है वो म्यांमार भी आता था। करेक्ट आंसर रहेगा सी, 1937 में जो है ये यहाँ से अलग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट पारित होता है, 19 मार्च। तो पूरा आपने याद रखना है, 19 मार्च 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट पारित होता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित एक कानून था। यह कानून जो है वो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिसन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस कानून का जो वास्तव नाम था, तो रॉलेट एक्ट को जो है वो सरकारी रूप से अगर कहते हैं तो इसे जो है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम आपने जरूर ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था। तो इसका नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इस कानून को जो है वो महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार जो है वो एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। इसी को ही जो है वो बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। ये भी आपने याद ही रखना है साथ में ही। इसी कानून के तहत जो है वो पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। इस कानून में क्या था कि पुलिस जो है वो शक के आधार पर ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती थी, ठीक है। उसके बाद ना उसकी फिर कोई दलील सुनी जाती थी, ना ही वो कहीं पे अपील कर सकता था। तभी इसे जो है वो बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील कानून कहा गया है। ना ही वो व्यक्ति कोई वकील रख सकता था, तभी जो है इसे फिर बिना दलील, बिना अपील तथा बिना वकील कानून कहा गया है। या आगे पीछे हो जाते हैं शब्द, कहीं पे से बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून भी लिखा गया है। और ये जरूर याद रखना कि महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था, और वैसे वास्तव में इसका नाम जो है वो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है। क्वेश्चन है कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। इसकी स्थापना जो है वो ढाका में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? उनका नाम है आगा खां और सलीमुल्ला खां के द्वारा जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। इसमें कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत के वायसराय कौन थे, तो इस टाइम पे जो वायसराय थे उसका नाम है मिंटो द्वितीय।
जितना भी एक्स्ट्रा आपको बताया गया वो सारा ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो उसमें प्रधानमंत्री थे उनका नाम रहेगा एटली। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था। 1911 में बंगाल विभाजन जो है वो कैंसिल किया जाता है, उसमें वायसराय हार्डिंग था। हार्डिंग के समय में ही दिल्ली में एक दरबार आयोजित होता है जिसे कि दिल्ली दरबार कहा जाता है। इसी दरबार में जो है वो बंगाल विभाजन को कैंसिल करने की घोषणा होती है। बंगाल विभाजन 1905 में होता है, करजन के द्वारा किया जाता है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई है, ये होती है 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग में जो है वो लोग रोलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठे हुए थे। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि रोलेट एक्ट में मैंने आपको बताया कि शक के आधार पे ही जो है वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ना फिर वो कोई दलील दे सकता था, ना वकील रख सकता था, ना ही अपील कर सकता था, केवल शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के करके जो है वो भारतीय लोग जो है वो जलियांवाला बाग में इसके विरोध में इकट्ठे हुए थे, और जनरल डायल के द्वारा जो है निहत्थे लोगों पर यहाँ पे गोलियां चलाई जाती हैं और बहुत से लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो जेम्स फोर्ड उस समय भारत का वायसराय था जब ये जलियांवाला हत्याकांड होता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्हीं दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो नाम रखा गया था। इन्होंने टोटल 3 बार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। एक अधिवेशन जो है वो कांग्रेस का 1906 में होता है, ये कलकत्ता में होता है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी करते हैं, और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वराज शब्द एक अधिवेशन आपको और देखने को मिलेगा कांग्रेस का जहां पे पूर्ण स्वराज की बात होती है, परंतु ये जो 1906 का अधिवेशन है यहाँ पर सिर्फ पहली बार जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। पूर्ण स्वराज वाला अलग से है अधिवेशन, जो कभी आगे अगर पेपरों में यहाँ पे आएगा सीरीज में तो मैं आपको बता दूंगी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो टोटल जो है वो 3 सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन होते हैं। प्रथम वाला भी लंदन में होता है, द्वितीय भी यहीं पे होता है, और तृतीय भी यहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में से सिर्फ एक लौता गोलमेज सम्मेलन सेकेंड है, जिसमें जो है वो महात्मा गांधी खुद जा करके पहुँचते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार जो है वो पूछा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर 1932 जनवरी 1931 के बीच में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 में होता है, 7 सितंबर 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो होता है नवंबर 1932 दिसंबर 1932 के बीच में। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, करेक्ट आंसर रहेगा डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का जो है वो काफी ज्यादा विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो किया जाता है। वो काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि कैसे ना कैसे जो है इस प्रथा का अंत किया जाए। बाद में वह अपने प्रयासों में सफल होते हैं और 1829 में जो है वो विलियम बेंटिंक के सहयोग से इस प्रथा का अंत करने में वो सफल होते हैं। तो 1829 में जो है वो सती प्रथा जो है वो खत्म होती है। मौलिक अधिकारों को की सूची से संपत्ति का अधिकार को डैश डैश के द्वारा हटा दिया गया है, ऑप्शन डी सही रहेगा 44 संशोधन के द्वारा।
ईयर भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कौन सा ईयर था उस टाइम, तो 1978 में जो है वो 44 संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है। ये जो मौलिक अधिकार हैं जिन्हें कि इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, ये संविधान के भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद पूछे जाएं तो ये आते हैं 12-35 तक, भाग 3। फंडामेंटल राइट्स को ही जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ही कहा जाता है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान में केवल 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें आते हैं समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14-18 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 19-22 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसके लिए अनुच्छेद रहता है 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है 25-28 अनुच्छेद के बीच। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद हैं 29-30। और लास्ट रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 32 में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वर्तमान समय में केवल 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें आते हैं समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बनाया गया, तो ये बनता है 1961 में, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो यहां से आप टिक से याद रख सकते हो, ग से हो गया गिरनार और ग से हो गया गुजरात, तो गिरनार की पहाड़ियां जो है ये है गुजरात राज्य में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन में रहेंगे नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि असम जो है वो बीच में आता है, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मणिपुर की तो भी नीचे आता है म्यांमार वाली साइड को, और नागालैंड की बात अगर की जाए तो नागालैंड जो है वो भी म्यांमार वाली साइड को लगता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री ही जो है वो चीन से लगती है, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है कि मध्यरात्रि सूर्य का देश का उपनाम है, मध्यरात्रि सूर्य का देश का उपनाम है, करेक्ट आंसर रहेगा सी नॉर्वे। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, सबसे गहरा पूछा गया है, तो सबसे गहरा जो है वो है प्रशांत महासागर। मैंने आपको बताया था कि सबसे गहरा गर्त जो है, विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो भी इसी महासागर में है, तभी जो है ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो इसमें सबसे गहरा गर्त जो है वो है मरियाना, तो मरियाना गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में आता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी पूछे गए हैं तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो होती है 19 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है वो पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा।
तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की जो है वो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इसी में जो है वो पहले अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं, पहले अस्थाई अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट बैठक हो जाती है, वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, साथ में ही हो जाती है बैठक। और इस दिन जो है वो फिर स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, और जो स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 में जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाले जा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम पहले अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो अगर आपने पीछे ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था कि 1911 के समय जो है वो कौन भारत का गवर्नर जनरल होता है, तो वो कौन होता है? ऑप्शन सी सही रहेगा, लॉर्ड हार्डिंग। 1857 की क्रांति जो होती है उसके बाद जो है वो गवर्नर जनरल के पद को जो है वो समाप्त किया जाता है। फिर उसके बाद इसे वायसराय का नाम दिया जाता है। तो एग्जाम्स में आपको वायसराय भी देखने को मिलेंगे और गवर्नर जनरल भी ये लिख देते हैं, बात दोनों एक एक ही थी। पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसके बाद जो है वो फिर वायसराय का नाम दिया गया था। तो 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाती है, तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था या फिर वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी सही रहेगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जहाँ पे आपके ये 20 क्वेश्चन तो हमने किए ही किए, बल्कि इनके साथ साथ आपके बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुए होंगे अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो अगर आपको डेली की ऐसी ही वीडियो चाहिए होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमेंट करना है, ताकि फिर मुझे भी लगे कि नहीं बच्चे पढ़ने वाले हैं। और दूसरा, अगर आपको इसी प्रकार एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छा लगता है तो आपने बता देना है कि ठीक है, नहीं तो मैं फिर एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी, सीधे आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही बताऊंगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपने मुझे बता देना है। थैंक यू।